गीत धरी हूँ। मेरे गीत में पहले मैंने जो गीत गाया था आपने सुना था, आदरणीय नहीं रचनाकार साहब जी, गीत जब भी लिखा करिए तो सुनकर के लिखा करिएगा जी। और क्या बढ़िया, अच्छा है। मेरे लिए है लखन के समान, फिर कैसे कह दो जाओ हनुमान मान, बसते हृदय में मूर्तिमान मान, फिर कैसे कह दो जाओ हनुमान मान, दिन वो याद करो श्रीमान मान, भगवान के सम होता मेहमान मान, दूजा नहीं कोई कपि के समान मान। अब क्या ढूंढ रहे हो? ये किससे कह रही हो? महाराज से कापी ले गए कहाँ गए? आइए गीत सुनेगा। आइए गीत बोल रही हूँ सुनेगा। कौन सा बेटा कौन सा? फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या? गा रहे हैं। अरे तू है सनम पहली बार गाना पहली बार हो रहा है। हाँ। मुकेश बजा ऐसे रहा जैसे 500 बार इस धुन को बजा चुका हो। ये गीत खास आफी जैसे श्रोताओं के लिए लिखे जाते हैं। गीता, करण और नव्या, ये तीनों की तरफ से 21 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे बड़े भाई श्री धीरेन्द्र रावत जी, आपकी तरफ से बहुमूल्य 101 पद मुद्राएं हैं। हृदय से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। गीत को सुनेगा। सुनिए, गाने वो होने चाहिए जो दिल को छुए। और क्या, और क्या चंद्रमान जी जी, बुद्धि खराब वाले गाने नहीं कि लोग सर खुजा के निकल लें। गाने वो होने चाहिए जो लोग याद रखें। ये बिल्कुल गीत को सुनेगा। सुनिए कि एक समय की बात बताओ, अरे गाथा बड़ी पुरानी है, तो सर से ही निकाल दिया सुरसरी का पानी है,
आमंत्रित नहीं किया गया। और जब कुंती को आमंत्रित नहीं किया गया तो माता कुंती ने अपने पुत्रों से कहा, अर्जुन से कहा, अर्जुन अर्जुन के अपमान करने की उनकी है आदत। रचनाकार के भरोसे ना रहना, आप खुद ही लिखना। एक काम करो, तुम चाय पी लो बैठ के। सुने इधर अर्जुन और हनुमान जी में संवाद होने लगा, और संवाद ऐसा वैसा नहीं, संवाद विवाद की संभावना बन गया। अर्जुन कहने लगे कि हमारे प्रभु कन्हैया है, तो वो कह रहे हमारे प्रभु श्री राम है, हमारे प्रभु की कोई तुलना। हनुमान कहते हमारे राम की कोई तुलना नहीं है। अर्जुन बोले कौन से राम की बात कर रहे हो, वही राम की कौन से? बोले सुनो सुनो कि मदद बान रोसेली कारे न जमता। अर्जुन की तरफ देखो, भगवान कन्हैया तो दूर की बात, और क्या
तुम पुल बना सकते हो तो हम तोड़ भी सकते हैं। तो हजार योजन बदन बढ़ायो गदा धार लियो कांधे और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। तो अर्जुन ने देखा कि उत्तर दिशा में तूफान सो उठो एक भानो हो भुलायो या अनोखी अंधियारी सो उत्तर दिशा में तूफान सो उठो एक भानो हो भुलायो अनोखी अंधियारी सो बजरंग ब्रह्मचारी सो। वाह कहने लगे कन्हैया कन्हैया ब्रज पे संकट परो आप एक गिरधारी बने अरे अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। लेकिन पंक्ति को याद रखना तो करते हैं सर से सेतु तैयार ये सौर है रण महाभारत का चल रहा है युद्ध हो रहा है लेकिन उस युद्ध में कि अर्जुन ने की ना रण इस कदर से भैया धीरेन्द्र भैया अरे अर्जुन ने की ना रण इस कदर से स्वयं देवता भी लखते अंबर से। लखवीरता को भी समो है हर से लखवीरता को भी समो है हर से भी समो पे अर्जुन के जब बाण बरसे भीष्म पर अर्जुन बाण चला रहे हैं क्या बात है। और भीष्म दुखी नहीं हो रहे जैसे ही अर्जुन का बाण लगता कहते वाह अर्जुन वाह वाह अर्जुन वाह वाह अर्जुन वाह वाह अर्जुन वाह। तो लखवीरता को भी समो है हर से भी समो पे अर्जुन एक जब बाण बरसे और पूरा अंग अंग विदीर्ण हो गया भीष्म जी गिर गए और कहने लगे अर्जुन अर्जुन अब इसको लिटा दिया है तो इसके लिए सैया तो बना दो। तो करते हैं सर से सैया तैयार करते हैं सर से सैया तैयार ये सौर है के लिए जोरदार तालियां हो जाए हृदय से धन्यवाद चाचा जी 101 पदमुद्राएं आपने आशीर्वाद स्वरूप भेंट किया है। बड़ी मुश्किल से ऐसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं। बिल्कुल बेटा कीर्तन में उतना समय नहीं दे पाते हैं चाचा जी क्योंकि आप शिक्षक भी हैं लेकिन फिर भी आप आए इसके लिए हृदय से धन्यवाद दे रही हूं। करते हैं सर से सीढ़ी तैयार करते हैं सर से सेतु तैयार सर था काट
भारी भरकम। गीत बजता है कौन सा बेटे? कि तू है सनम मेरी पहली मोहब्बत। क्या बात है, और बुलाते हुए सिवा प्यार के। वाह, आके तू लग जा गले मेरे यार, अरे आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जमाने ए जमाने, जमाने के देखे है रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। बहुत बढ़िया गीत लेकर के आई आदरणीय बहन। बहुत सी बातें करके आई कि ये स्वर्ग में सीढ़ी तैयार कर दी अर्जुन ने, पुल तैयार कर दिया अपने बाणों से, शेर सैया बिछा दी, बहुत कुछ बताया आपने। इधर जवाब देखिएगा, एक बार चित्रसेन नाम का गंधर्व दुर्योधन को मारते पीटते हुए स्वर्ग लोग लेकर चला गया। अच्छा, और जब स्वर्ग लोग लेकर चला गया तो कहना पड़ा, चित्रसेन से जब लड़ा है दुर्योधन, चित्रसेन से जब लड़ा है दुर्योधन, पकड़ करके लाया है भारी है वो रथ। सुनो, जाना जाना धर्मराज ने, अरे जाना धर्मराज ने ये कहानी, पार्थ से बोले है वो ऐसे पानी। क्या बोले? सर से है करते, वहां पर भी अर्जुन ने बाणों से सीढ़ी तैयार कर दी। सुने, ए सर से है करते वो सीढ़ी तैयार, वही सीढ़ी नहीं तैयार हुआ,
सुंदर है। अरे फौजी दादाजी समझते होंगे कि सर से है करते वो सीढ़ी तैयार, ये परमार्थ है पार्थ का। ये अरे सर से है करते वो सीढ़ी तैयार, ये परमार्थ है पार्थ का। एक टुकड़ा और देखिएगा कैसे सर की ही सही आप बाबा पड़े हैं। क्या लगा देते हैं बेटे आदरणीय कल्पना जी, भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों की संयम पे लिटा दिया, इतने बाण भेदे कि सर की, अरे सर की ही सही आप बाबा पड़े हैं, पानी पिटा वो प्याकुल पड़े हैं। और पारथ है आए, मुझे पानी पिलाओ। दुर्योधन कहा जाओ घर से गंगा जल लेकर आओ, कहा नहीं मुझे अर्जुन पानी पिलाएगा, मुझे अर्जुन पानी पिलाएगा। तो अर्जुन ने बाण चला दिया और वहीं पर गंगा प्रकट हो गई, बाल गंगा जिसको बोला गया। पारथ है आए सर है चलाए, एक बाल से बाल गंगा है लाए। तो अरे सर से प्रगटाए है धारा अपार, क्या बात है, सर से प्रगटाए है धारा अपार, परमार्थ है पार्थ का। वाह, सर से है प्रगटाए धारा अपार, ये परमार्थ है पार्थ का। अब एक अपने तरफ से भाव पक्ष का गीत, क्योंकि थोड़ी बहुत पब्लिक बची है। बिल्कुल, एक भैया की फरमाइश थी कि चंदमान तुम्हारा वो गीत हम यूट्यूब पे बहुत सुने और उसको सुना के जाइएगा, अगर भैया रुके होंगे तो उसको जरूर हम सुनाएंगे। और